नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। बीजेपी सरकार के लिए सिरदर्द बन सकता है सोलंकी का दबाव। डिप्टी सीएम नितिन पटेल के विभाग के आमवटन को लेकर हाल में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के पटाक्षेप के बाद अब कोली समुदाय के दबंग मंत्री परषोत्तम सोलंकी विभाग के बंटवारे को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। गुजरात में खासी आबादी वाले कोली समाज के भाजपा में प्रमुख चेहरे परषोत्तम सोलंकी का यह दबाव पिछली बार के 115 की तुलना में मात्र 99 सीटें 182 सदस्यीय विधानसभा में सामान्य बहुमत 92 से मात्र 7 अधिक लेकर सत्ता में आई पार्टी के लिए खासा सिरदर्द हो सकता है। अगर भाजपा आलाकमान नितिन पटेल की तर्ज पर उन्हें भी अतिरिक्त विभाग देता है तो कई अन्य लोग भी ऐसे सवाल उठा सकते हैं, और लगातार कई बार जीते कुछ विधायक भी मंत्री परिषद में शामिल नहीं होने की बात उठा सकते हैं। अगर उन्हें विभाग नहीं मिलता तो भी सरकार के लिए खासी मुश्किल पैदा हो सकती है। उधर भावनगर ग्राम्य सीट से जीते सोलंकी ने कहा कि इस बार भी उन्हें केवल एक विभाग दिए जाने से कोली समुदाय नाराज है। इस एक विभाग के जरिए वे केवल तटीय क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने भी हालांकि नितिन पटेल की तर्ज पर सीधे खुद के नाराज होने की बात नहीं कही, पर यह कहा कि अगर उन्हें और कोई विभाग नहीं मिलता तो उनका समुदाय अपनी नाराजगी जता सकता है। भीड़ के कारण सीएम से नहीं हो पाई बात। समुदाय अपने इस इकलौते मंत्री के लिए और विभाग चाहता है। पिछले 4 बार उन्हें 2-2 विभाग दिए गए थे, पर इस बार केवल एक ही विभाग मिला है। मंगलवार को वह मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, पर उनके कार्यालय में भीड़ होने के कारण वह खुलकर अपनी बात नहीं रख पाए। सोलंकी ने कहा कि मत्स्य जैसे एक विभाग के जरिए वह केवल तटीय क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकते हैं, पर अन्य लोगों की सेवा के लिए उन्हें और विभाग मिलने चाहिए। कैबिनेट मंत्री का दर्जा न मिलने पर भी उठाए सवाल। परषोत्तम सोलंकी ने उन्हें अब तक कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मिलने पर भी सवाल उठाया है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में लोग इस बात को भी लेकर चुटकी ले रहे हैं कि 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक सूर्य के संक्रमण काल के कारण हिंदू परंपरा के मुताबिक कथित कुमुहूर्त में शपथ ग्रहण के चलते विजय रूपाणी सरकार शुरुआत में ही एक के बाद एक मुश्किल का सामना कर रही है। आगे और चुनौतियों से निपटने के लिए सीएम को तैयार रहना होगा। समाज की लामबंदी से पटेल को मिला वित्त विभाग। 26 दिसंबर को सरकार के शपथ ग्रहण और 28 दिसंबर को विभागों के आवंटन के बाद 31 दिसंबर तक नितिन पटेल ने शोभनीय विभाग नहीं मिलने पर बगावती तेवर अपना कर पदभार ग्रहण नहीं किया था। उनके समर्थन में राज्य के दबंग पाटीदार समाज की खुली लामबंदी के चलते उन्हें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद वित्त विभाग भी देना पड़ा था। कोली समाज के मंत्री के बगावती तेवर से भाजपा को नए संकट का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद।